हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि पीवीसी माइका को आसानी से कैसे मोल्ड करते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं, हमने ये पीवीसी माइका की सीट ली हुई है। इसको हम मोल्ड करने के लिए अब जैसे काट लेते हैं टुकड़ा, तो आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये पीवीसी माइका 1 mm वाली है, इसमें आप ये 1 mm की माइका देख रहे हैं। जैसे इसको हम मोल्ड करेंगे 18 mm प्लाई के ऊपर। तो ये हमने 18 mm प्लाई का टुकड़ा लिया हुआ है, आप देख रहे हैं। अब हम इसमें निशान लेंगे 18 mm प्लाई जितना, उससे 18 mm से आपको 2 mm बढ़ा के लेना, ताकि जहाँ से मोल्ड हो तो उसकी धार पे फिर छोटी ना पड़े। तो इसको हम उस हिसाब से गेज में पूरी काट लेंगे, जितनी हमें इसको पीस के हिसाब से इसकी साइज जो चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम इसको साइड से भी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, जो आपकी नॉर्मल माइका ही होती है उसको आप ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते। पीवीसी माइका की यही खासियत होती है कि इसको आप मोल्ड करके भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपके फर्नीचर में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है और फर्नीचर काफ़ी खूबसूरत दिखता है इसको अगर आप मोल्ड करके लगाते हैं। तो जैसे मैं अब इसको कटर को चला रहा हूँ, सनमाइका कटर जो इसका है, इसको उसी हिसाब से आपको चलाना है जितना कि ये सनमाइका को आपको मोल्ड करना। आप इसको अगर ज़्यादा चलाएंगे तो आपकी सनमाइका मोल्ड करने में वहाँ से टूट सकती है। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैं इसको सनमाइका को काट ले रहा हूँ, पीछे की साइड से इसको काटना है, वो भी आधा इसमें कटर चलाना है। अगर ज़्यादा काटते हैं तो माइका आपकी आसानी से टूट जाएगी, लेकिन अगर आपको इसको जिस हिसाब से मोल्ड करना है हिसाब से कटर चलाएंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मोल्ड करने में। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको आसानी से मोल्ड कर ले रहा हूँ, क्योंकि हमने इस पर सनमाइका कटर उतना ही चलाया जितना कि ये मोल्ड हो सके। अगर ज़्यादा भी चलाते तो ये माइका यहाँ से टूट जाती। तो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने इसको आसानी से मोल्ड कर लिया है, तो आप देख रहे हैं कि ये मोल्ड एक तरफ से हो चुकी है। अब मैं इसको दूसरी तरफ से भी मोल्ड कर लेता हूँ। तो आसानी से ये देख रहे हैं आप, मोल्ड हो रही है माइका में। आप कटर अगर जितनी इसकी ज़रूरत है उतना चलाएंगे तो आपको बहुत आसानी से माइका को मोल्ड कर सकेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने इसको कंप्लीट दोनों तरफ से मोल्ड कर चुका हूँ। अब इसके 18 mm के ऊपर हम रख कर के इसको देखेंगे कि ये बराबर अपना सेट हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि हमने इसको मोल्ड किया है तो ये 18 mm की जो 18 mm वाली धार रहेगी उस पर पूरी कवर कर रही है, नहीं कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं, हमने इसको पूरी 18 mm की धार भी है कवर कर रही है। आप साइड से देख रहे होंगे इसको, ये जैसे आप देख रहे हैं। अब हम इसकी जो 6 इंच वाली, जैसे 20 इंच बाई 6 इंच का ये पटिया है, तो हम इसकी 20 इंच वाली धार मोड़ चुके हैं। अब इसकी हम 6 इंच वाली धार पर भी उसी हिसाब से कटर और निशान लगा के सनमाइका कटर से, और उसको भी छोटी वाली धार को भी हम मोल्ड कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैं उसमें कटर चला पा रहा हूँ, उतना ही कटर चलाना आपको कि जितना के टूटे ना। अगर आप ज़्यादा कटर चला देंगे तो आपकी सनमाइका आसानी से टूट सकती है। अब आप देख रहे हैं, इसको मैं एक तरफ से काट चुका हूँ, अब दूसरी तरफ से इसको उसी हिसाब से मैं कटर से निशान ले लूँगा, ताकि इसको मैं इस साइड से भी मोल्ड आसानी से कर सकूँ। तो दोस्तों, आप जैसे समझ पा रहे हैं कि मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, कटर को आपको ज़्यादा नहीं चलाना। अगर आप थोड़ा भी कटर ज़्यादा चलाएंगे तो आपकी माइका टूट जाएगी। अब मैं इसके जो कोने हैं उनको निकाल देता हूँ, ताकि ये दोनों आपस में कोने मिल सकें। तो इसको फनर से मैं काट के हटा देता हूँ दोनों कोनों को, और इसको आसानी से दोनों कोने इसके मिल सकते हैं। चारों कोनों को इनको अपने को काट के हटा देना है, जैसे कि मैं हटा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये अब हमारी माइका मोल्ड होने के लिए चारों तरफ से कंप्लीट हो गई है। मैं इसकी ये छोटी वाली धार को भी अब मोल्ड कर ले रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं, ये भी आसानी से मोल्ड हो गई है। ये हो गई हमारी सनमाइका कंप्लीट मोल्ड। जैसे अब आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको मोल्ड करने के बाद ये प्रोबोन फेविकोल इसमें लगा करके और इसको हम चिपका के 5 से 7 घंटों के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो सके। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये माइका पे फेविकोल आपको बराबर लगाना है और प्रोबोन फेविकोल ही लगाना है। माइका प्रोबोन फेविकोल से ही अच्छे से सेट होती है, इस पर दूसरा फेविकोल इतने अच्छे से पकड़ नहीं करता है।
तो अभी हमारा सैंपल कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं और फिर आपको हम आगे दिखाएंगे कि इसमें इसको अब ये हमारा सैंपल कंप्लीट हो गया है। इसको हमने 5-7 घंटे के बाद ये आप देख सकते हैं, जैसे हम एब्रो टेप खोल रहे हैं इसका, और एब्रो टेप खोल करके हम आपको दिखाएंगे ये कंप्लीट फिनिशिंग से किस तरह से माइका मोल्ड होके इस पर सेट हो गई है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा सैंपल जो कि माइका लगाई थी हमने, ये कंप्लीट हो गई है, जिससे हमने किचन में पूरी माइका ये पीवीसी सेट की हुई है और ये माइका लगाई हुई है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है हमारा सैंपल। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।